जय श्री के, जय गौ माता जी। रवि प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के जो है, मैं ज्वार बाजरा बोया हूँ जो है। देखिए हमारे जो है ज्वार जो है, एक पौधे में देखिए कितने कल्ले आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक पौधे में 8 कल्ले जो है। देखिए फ्रूटिंग हो करके अब जो है, अब ये पकने के कगार पर है। कम से कम ये 1 फुट लंबा है जो है, कम से कम 1 फुट लंबा है। जैसा जो गुरुजी ने जो निर्देश जैसे कहते हैं, उसके साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है, मैंने इसके साल मूंग भी लगाया, उड़द जो है, तो इसके साथ जो है, और सभी पौधे जो है कि स्वस्थ हैं। देखिए एक ही बीज में कितने कल्ले निकले हुए जो है। और वही घन जीवामृत डाल करके बोया गया था, और जीवामृत का जब जब पानी चलता है करता है जो है, और इसमें जो है ये बाजरा है जो है, देखिए भी जो फूटने शुरू हो गए हैं। इसमें भी जो है एक एक पौधे में देखिए जो है कितने कल्ले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी अब फूटना शुरू हो गया है जो है, इसकी फ्रूटिंग शुरू हो गई है सब जगह जगह जो है। ये पहले का बोया गया था, इसकी फ्रूटिंग शुरू हो गई है। लगभग हमको लगता है कि 10-15 दिन में ये पक जाएगा। इसके सब फसल जो है, हरी मूंग और काली मूंग जो है, बोया गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। सभी पौधे एकदम स्वस्थ हैं। इसको जो बाद में बोया गया था, इसमें जो है देखिए मूंग जो लगे हुए हैं, इसके साथ ये इसमें बाजरा है, और उधर जो है ज्वार है। वो सभी के साथ जो है उसके सब फसली नाइट्रोजन के लिए, मूंग भी सभी स्वस्थ हैं और बाजरे भी स्वस्थ हैं। देखिए वो पानी चल रहा है, उसके बाद ये सब पकने को कगार पर है जो है। सब फसल अब तैयार हो चुके हैं, पानी चल रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने जो है जंगल मॉडल में भी पूरे पौधे नहीं लगे हैं, जैसे जैसे जो पौधे लगे हैं, और इसमें सहजन है आपका, अरहर है, केला है, पपीता है, और आम का पेड़ है, आपका जामुन का पेड़ है। इस तरह करके जो है ये सब जंगल मॉडल में लगे हैं, अभी पूरे पौधे नहीं लगे हैं। अब जैसे जैसे जगह होता है वैसे वैसे जो है, ये जो देखिए देसी पपीता है जो है, ये भी फलने शुरू हो गए हैं। ये हमारा जो है आपका जामुन है जो है, ये भी स्वस्थ हैं जो है। सभी हमारे पौधे हमारे सभी सब स्वस्थ हैं जो है। ये जंगल मॉडल एक साइड में बनाए हैं जो है, इसका वो कर रहे हैं जो है। और इधर हल्दी लगाए थे, हल्दी के ऊपर जो है ये मूंग लगाए जो है। हल्दी भी चल रहा है, नीचे अपना काम कर रहा है जो है, और हमारे मूंग भी जो है देखिए कितने स्वस्थ इसकी फ्रूटिंग हो रही है। 5 बेड पर जो है मैंने हल्दी लगाया है, खुदाई करने के बाद जो है इस पर लगा दिए हैं। और ये साजन बहुत अच्छा फला था जो है, उसके बीज के लिए छोड़ दिए हैं जो है। ये बीज के लिए बहुवर्षीय सहजन है, जो अपना देसी बहुवर्षीय जो है नासिक से बीज लाए थे, उसका बोए हैं, अब बीज के लिए छोड़ दिए गए हैं। और जब क्योंकि हमारे बहुत भाई बंधु लोग कहे जो है, उसको बीज के लिए छोड़ दीजिए जो है। और सभी बीज के लिए भी पौधे जो भी जो फल हैं जो है, सभी स्वस्थ हैं जो है। हमको लगता है जून के लास्ट में जो है ये सब पक जाएगा जो है। और हमारा जो है कि प्याज भी जो है बहुत अच्छा पैदावार हुआ है, उधर से खुदाई शुरू हो गई है। अब ये सब प्याज अब तैयार हो गए हैं, अब ये भी खुदने को इसी होगी धीरे धीरे। लगभग मिला करके सभी हमारे जो भी फसल जैसे भी जो लगाए हैं,
आपके गुरु जी आपके आशीर्वाद से सभी स्वस्थ हैं। जय श्री के, जय गौ माता दी।